हाँ ये सही। और जो कुछ देख कीजिए सर, सब कीजिए एक साथ, भैया क्लिपिंग कीजिए। क्या बेटा खिलाओ उसके? हाँ अच्छा इस खाकसार का नाम मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी है और ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज यौमे पैदाइश है 51वां। उसी के सिलसिले में यहाँ केक काटा गया है, बच्चियों ने आपस में एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियों का इजहार किया है और बाकी उनके साथ उलमाए किराम भी हैं, उनके उस्ताद जनाब कारी आमिर रज़ा साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं। खुद उनकी मौजूदगी में इस प्रोग्राम को बहुत खूबी के साथ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलीचरों की मावलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपका ये भाई हर जगह की खबर आपके ज़ेर ख़िदमत हाजिर कर रहा है। बहरकैफ ये देश से ही जुड़ी खबर आपने एक क्लिप देखी, 1 मिनट 2 सेकंड की। ये सन्यासी जो कर बंदर का धक्का, ये चंडाल, ये कटला, ये कुंडम लुल्ली, ये टकला, ये गंजोटी का बर्थडे है कहते 51 साल के हो गए कहते। उन 61 साल के ऊपर है, इन्हों 7 साल पहले 61 साल सुने थे, अब 61 साल के नहीं, वो भी नहीं बता रहे, सीधा 51 यानी 16 साल कम कर दिए भी। हर कितने भी साल का हों दो, इन्हें कितना भी साल बता दो, हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुसलमान बहनों को बदनाम करने की जो साजिश रची गई, और ये जितने ये बजरंगी केंचुए थे, विश्व हिंद परिषद के थे, दाढ़ियाँ रख के मौलवियों की ट्रेनिंग दी है इनको, इनको मौलवियों की ट्रेनिंग दी, और ये लिंडिया ये जो आश्रम की और कंपाउंडों की पास जो बैठते जो धंधा करते, ये लोगों को बुरखे पहना के, ये लोगों को भी थालियाँ मारने के लिए ठहरा कर दिए, यानी 51 साल का केक काट रहे। तो यानी ये बताना चाहे कि मुसलमान भी खुश होता है, नऊज़ बिल्ला, लानत है उस मुसलमान के ऊपर जो इस हरामखोर, जो हमारे इस्लाम का दुश्मन है, जो हम मुसलमानों का दुश्मन है, उसके उसका बर्थडे इस तरीके से मनाए। एक सोची समझी साजिश है ये, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। कोई हमारी बहन, कोई इस्लामी बेटी, इस्लामी बहन ये नीच हरकत नहीं कर सकती। जिसमें से अभी 4 के तो वहाँ बाहर निकलते ही बुरखे उतार के वो लिंडियाँ जो अपने लिबास में आते हैं उसमें आगे उसकी वो वीडियो बड़ी वायरल हो गई है, वीडियो बड़ी वायरल हो गई। लेकिन ये लोगों को मिल रहा क्या जब मुसलमान औरतों को बदनाम करने, मुसलमान बहनों को बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश ये लोग कर रहे हैं और पूरे प्लानिंग के तहत काम अंजाम दिया जा रहा है, जबकि इनको खुद को पता है हासिल कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नस्ल इनकी गंदी नस्ल है, गटरी नस्ल है। किसका धक्का है आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये गंदगी मचाए तो फ़र्क पड़ता, समझ रहे हैं? हम मुसलमानों को और इस्लाम को कभी नहीं पड़ेगा। तुम जब जब गंदगी फैलाएंगे
तुम्हारे को उसी गंदे अल्फाजों में जवाब दिया जाएगा। तुमने इतनी मेहनत करी, इन लिंडियों को आश्रमों से ले के आए, कारोबार की चमड़े का कारोबार जहाँ पे करते हैं वहाँ से लेके आए, पैसा खर्च करे, 500-600 रुपए दिए तुम लोग सिर्फ वो जोकर सन्यासी का बर्थडे केक काटने के लिए, वो खुशी मनाने के लिए। अरे चिंदी चोर सालो, हमारे को क्या करना है, उन्हें जिए या मरे, हमारे को तो जिस वक्त उन्हें मरेगा इतनी मिठाई तकसीम होगी और हर मुसलमान दो दो शुक्राने अदा करेगा, क्योंकि हमारी पाक जमीन से, हमारी पाक जमीन से एक कम हो गया बोल के एक एक के ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी, शुक्राने अदा की जाएगी, और हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि इसका पैदाइश का दिन मनाओ या इन्हें खुद लंगा होके कुंडल लेके नाच ले भी अगर जे तो फर्क नहीं पड़ता हमारे को। इतना गुमराह कर रहा, अब उन्हें तो दवाखाने में, उन्हें दवाखाने हॉस्पिटल में, क्योंकि कोर्ट में गिर गया था उन्हें चक्कर आगे, अब इन्हों मना रहे, इन्हों मनाने को निकले, वो भी पहना रहे क्या बुरखे पहना के हिजाबे लगा के और इतने बड़े बड़े मौलवियों की वजह से दाढ़ियाँ छोड़ के, अरे कट लो, अरे लिंड हो, अरे निपल हो, क्या समझते तुम लोग और कौन सी जिंदगी जी रहे तुम लोग और किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश में है तुम लोग। अरे बनाने वाले सबसे बड़े बेवकूफ तुम है, समझे ना, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सन्यासी, ये ढोंगी, ये जोकर, ये बंदर की नसल तो हॉस्पिटल में आज भी डिस्चार्ज नहीं हुआ उन्हें, क्योंकि उसको मालूम है डिस्चार्ज होगा तो सीधा पुलिस लेके उसको सीधा कोर्ट के अहकाम जारी जो हुए हैं उस पर अमल करना है, उनको ले जाके सीधा अंदर डालेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको सिर्फ हॉस्पिटल में सांसा मिल सकते और कहीं नहीं। आज 4 दिन से हॉस्पिटल के अंदर है और बहुत सीरियस थे कहते उन्होंने, अब सीरियस नहीं है कहते, अब वो खतरे से बाहर आ गए कहते हैं, खतरे से बाहर आने की बजाय वो ख़त्म हो जाए, हमारे को वो खुशी चाहिए, हमारे कान तरस रहे वो सुनने के लिए, समझिए। बहरहाल बहरल खेफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनके दिन तो पूरे हो चुके हैं, इनके पापों का घड़ा तो भर चुका है, गुजर रही बाजू से तो जो है सब बदबू उठी हुई है, क्योंकि ये खुद एक टट्टी है साले, इन्हों खुद टट्टी है, इन्हों हमारा देख के कपड़े पहनना सीखे, खाना सीखे, नहीं तो मट्टी और टट्टी खा के मूत्र पी के रहने वाले, अब देख हम देखी कर रहे हैं। खैर उससे हमको कोई फर्क पड़ने का नहीं है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कल भी मुनज़्ज़म थे, आज भी मुनज़्ज़म हैं, हमेशा मुनज़्ज़म रहेंगे इंशाल्लाह। इनके लाख कोशिशें, इन्हों कुछ भी कर लो बदनाम करने के लिए इस्लाम को और मुसलमानों को कभी नहीं होगी। और रही बात, ये पूरे ये चालू माला है, ये जितने जो बुरखे पहन लगे हिजाब लगा के थालियाँ मारते हुए ठहरे ना, इन्हों खुद एक थाली है, थाली भी है गाली भी है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 500 रुपये लेके आए हुए उन थालियाँ मारने के लिए, सिर्फ मुसलमान बहनों को बदनाम करने के लिए, मुसलमान बेटियों को बदनाम करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि सन्यासी जोकर बंदर के नस्ल से कितनी मोहब्बत है, जबकि सिर्फ हर मुसलमान को, ख़ासकर भारत के हर मुसलमान को सिर्फ नफ़रत है इनसे, सिर्फ नफ़रत करते हैं इनसे, क्योंकि वो बींच है ये जो फसलें तो निकल चुके हैं, सिर्फ कटना बाकी। बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, इन्हें जब जब गंदे साजिशें रचेंगे आपका भाई बेनकाब भी करेगा, इनके पर्दे फाश भी होंगे और इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी, इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी। बहरकैफ अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करो
नमाज मिस मत करो अल्लाह के वास्ते। नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को राज़ी रखेंगे तो इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी, ये गटरी जानवरों को। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बाबरी मस्जिद की भी बहुत जल्द खबर मिलेगी, इंशाल्लाह वो खबर भी दी जाएगी। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।